देश के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि विजय कुमार सीआरपीएफ के पूर्व डीजी हैं और अभी आंतरिक सुरक्षा सलाहकार हैं देश के। वो पहुंचे हैं रांची और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। देश के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी हैं के विजय कुमार। तो के विजय कुमार रांची पहुंचे हैं जहां मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। तो अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। अविनाश, के विजय कुमार मुख्यमंत्री से के विजय कुमार ने मुलाकात की है, क्या कुछ मसले पर चर्चा हुई, कुछ जानकारी हाथ लग पाई है? शरीफ, इस वक्त मुलाकात हो रही है और ये बैठक अभी इस वक्त चल रही है। बैठक समाप्त होने के बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर हैं, और आज जो जानकारी यहाँ झारखंड मंत्रालय के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी पहले से नहीं थी। कुछ मिनटों पहले ही इसकी जानकारी हुई कि के विजय कुमार झारखंड मंत्रालय आ रहे हैं। आप इस बात का इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि डीजी उनके आने के बाद ही पहुंचे। तो इस वक्त एक बैठक जरूर चल रही है, वो मिलने आए हैं और उसके बाद ये पता लग पाएगा कि क्या कुछ किस संदर्भ में ये मुलाकात हुई है। हालांकि जब वो इस वक्त सुरक्षा सलाहकार हैं तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो स्थिति है, खासकर अगर हम नक्सल अभियान जो चलते रहते हैं, आपको याद होगा कि पिछले बार भी जब वो आए थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भी ये बातें कही थी कि इस वक्त जो कार्य चल रहे हैं वो बेहतर कार्य हैं। तो इस वक्त समीक्षा भी आप कह सकते हैं, जो फीडबैक आए होंगे उनके पास जो फीडबैक होंगे उसके आधार पर भी जरूर इसमें चर्चा होगी। चलिए अविनाश, आप नजर बना के रखिए, आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया अविनाश, तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए।